हेलो क्लास फोर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को आपके किताब से, व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा लिपि और व्याकरण। अब देखिए, तो सबसे पहले आपके पास आता है भाषा। तो जो आप बोलते हैं अपने विचार को दूसरे तक पहुँचाने के लिए, जो आप सुनते हैं दूसरे की बातों को समझने के लिए, तो यह दोनों ही बातें भाषा के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने के बाद उसी भाषा को हम लिखते भी हैं, उसी बात को दूसरे के पास पहुंचाने के लिए हम कागज पेन का सहारा लेकर अपने विचार भाव को लिख करके व्यक्त करते हैं, तो वह भी भाषा है। तो भाषा दो तरह के हैं, एक कि हम बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरा हम उसको लिख कर व्यक्त करते हैं। इस तरह से भाषा को हम क्या, भाषा को परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे हम, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचार को सुनते और दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है लिपि। यह लिपि क्या है, लिपि क्या है? तो जो विचार या जो विचार हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, तो बोलकर व्यक्त करते हैं, वहाँ लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम उसी भाषा, उसी भाव, उसी विचार को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो लिखने के लिए हमें कुछ लिपियों की आवश्यकता होती है, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, कुछ चित्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लिखते हैं, अब जैसे हमको किसी से कहना है रामू मुझे पेन दो, तो रामू मुझे पेन दो, तो ये तो साउंड है। इस साउंड को व्यक्त करने के लिए हम कुछ चिन्ह, हमारे विद्वानों ने, हमारे व्याकरणाचार्यों ने कुछ चिन्ह को प्रतिपादित किया है, अनुशंसित किया है, हम लोगों के सामने पड़ोस कर रखा है ताकि हम उसको समझ सकें, तो उसको हम लिपि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उनको लिपि कहते हैं। अब जैसे चित्र बनाते हैं तो इसको हम त्रिभुज कहते हैं, चित्र बनाते हैं तो इसको आयत कहते हैं, चित्र बनाते हैं तो इसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, चित्र बनाते हैं तो इसको हम वर्ग कहते हैं, इसी तरह से। तो ये चित्र है और इसका नाम भी हम आपको बता दिए। इसी तरह से हमने अभी कहा रामू, तो रा को ऐसे व्यक्त किया जाता है, मू तो मू को ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो ये एक लिपि के अंतर्गत आता है, इस लिपि को। अब लिपि, तो लिपि बहुत सारी है, चूँकि भाषाएँ बहुत सारी है इसलिए लिपि बहुत सारी है। अब जैसे देखिए, तो ये सारी भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं हैं। अब देखिए हिंदी, तो हिंदी की भाषा क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन है। गुजराती भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो फारसी है। कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है, तो शारदा है। उसके बाद एक आता है बंगाली। बंगाली एक भाषा है जिसकी लिपि क्या है, तो बांग्ला लिपि है। इस तरह से लिपि आ जाता है। अब उसके बाद आता है व्याकरण। यह व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, जैसे मेरे को
मारता है। अब देखिए, मेरे को मारता है, यह व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। इसी को शुद्ध करने के लिए लिखता है लोग मुझे मारता है। अब देखिए, इस दोनों में अंतर है, तो ये सही है और ये गलत है। इस तरह से व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें गलत और सही की जानकारी देता है।